कहते हैं कि अगर आपके मन में प्रबल इच्छा हो तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल सफलता के लिए जब लोग मेहनत करने में लग जाते हैं तो पूरी कायनात भी उसे पूरा करने में जुट जाती है। आज हम आपको ऐसी ही सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि बहुत रिस्क लेकर शुरू की गई थी। ये स्टोरी है रिस्की मैन पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की। 27 साल की उम्र में केवल 10,000 रुपए कमा रहे थे जिससे उनकी शादी तक मुश्किलों में आ गई थी। उनके पिता ने उनको सलाह दी कि जल्दी से 30-40 हजार रुपए की नौकरी ढूंढो और कर लो, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी और अपनी कंपनी पर मेहनत करते रहे। साल 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की। पेटीएम ने धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में क्रांति लाई और लोगों को कैशलेस ट्रांजेक्शन में सुविधा प्रदान की। वहीं साल 2021 में पेटीएम का IPO $2.5 अरब के मूल्यांकन पर खुला, जो उनकी सफलता में बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो विजय शेखर शर्मा की कहानी उन चुनौतियों से भरी है जिनका सामना उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में किया। साल 2004 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो छोटी सी कंपनी चला रहे थे और मोबाइल कंटेंट बेचा करते थे। अच्छे इनकम ना होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जितने भी रिश्ते आते जब उनको पता चलता इनकी इनकम के बारे में तो तुरंत मना कर देते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार का अयोग्य कुंवारा बन गया था। इसके बावजूद विजय ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करते रहे। उनकी इसी लगन और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने 2010 में पेटीएम की स्थापना की, जो आगे चलकर एक बड़ी सफलता बनी। 1971 में उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई जिसे उन्होंने लाखों रुपए में बेचा। इस सफलता के बाद उन्होंने 2000 में 197 कम्युनिकेशन LTD की स्थापना की। इसी कंपनी के जरिए उन्होंने क्रिकेट मैच के स्कोर, जोक्स, रिंगटोन और परीक्षा के रिजल्ट जैसी खबरें प्रदान करना शुरू किया। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आगे चलकर पेटीएम की पेरेंट कंपनी बनी। वर्ल्ड वाइड फेमस मैगजीन ने विजय शेखर शर्मा की संपत्ति $2.4 अरब यानी भारतीय रुपए में लगभग 125 अरब रुपए आंकी है। उनकी सफलता ने न केवल उन्हें बल्कि उनके माता पिता और परिवार को भी गर्व और आश्चर्य से भर दिया है। इंसान का ब्रेन एक ऐसा पार्ट है, अगर कोई भी इंसान जीवन में कुछ भी करना चाहता है, अगर अपने ब्रेन को अच्छे से यूटिलाइज करता है तो जीवन में कुछ भी पा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल।